आखिरकार क्यों शादी के बाद कभी चिन्मय वापस नहीं आया? क्या है चिन्मय की सच्चाई? और शिखा जब होली पर उसे याद करके रोती नजर आई और सवी ने उसे समझाने की सिंपथी देने की कोशिश की तो अक्का साहेब इस बात को लेकर चिढ़ गई। और अक्का साहेब के इस एटीट्यूड से एक बात तो साफ है कि जाहिर सी बात है कि इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज है। ऐसा कौन सा राज है जिसको अभी तक सभी से छिपा कर रखा गया है? आखिरकार वो कौन सी बात है जो अभी तक किसी से शेयर नहीं की गई? चिन्मय क्यों जो है शादी के बाद वापस नहीं लौटा? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अब सवी जो है इन सारी चीजों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा शिखा के सामने करने वाली है। वो शिखा के सामने और शिखा को ये बताने वाली है कि जिस शख्स का वो इंतजार कर रही है वो शख्स उसके लायक है ही नहीं, क्योंकि वो शख्स तो किसी और के साथ पहले से ही सेटल है। भले ही अक्का साहेब और राव साहेब बार बार इस बात के दावे करते हो कि वो भारत में नहीं रहता, इंडिया के बाहर रहता है, लेकिन सच्चाई ये है ही नहीं। बार बार ऐसा बोलकर शिखा को झूठ कहा गया है। दरअसल परिवार की इज्जत के लिए शिखा के साथ शादी कर तो ली, लेकिन यहाँ पर वो किसी और लड़की से प्यार करता था। तो ये सारी चीजें जो हैं सामने आ रही हैं। तो एक बात तो तय है कि अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ सवी शिखा को सारी सच्चाई बताती हुई नजर आएगी। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर शिखा ये सारी बातें जानकर टूट जाएगी, लेकिन अब सवी का मकसद है कि शिखा का एक और नया घर बसाना और चिन्मय की सच्चाई सभी के सामने लाना। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब जब चिन्मय की सच्चाई आएगी सामने और सवी ये सारी सच्चाई बताएगी तो भोसले परिवार अब उसे क्या कहेगा? क्योंकि भोसले परिवार तो पहले ही उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं।